स्लो करें ना भाई साहब। आरबीआई की परमिशन नहीं, आरबीआई की जानकारी नहीं, केंद्र सरकार की जानकारी नहीं। अरे यार, सौ लॉकर में कम से कम 500 करोड़ रुपए काला धन रुपए आ रहा था। क्या कर रहे हो भाई? पुलिस भेजे और एक मामले में एसीबी पहले से जांच करेंगे। जिस मामले में यूआईटी के मामले में एसीबी जांच कर रही है, यूआईटी का पैसा और सोना इन लोगों पर रखा है। बाकी के विभागों का पैसा मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए एसीबी को आना चाहिए और राजस्थान पुलिस को आना चाहिए। उसके बाद में आपको दुकान का स्वामी जी होता है? दुकान का स्वामी किसका है? आपको जानकारी इस बात की? मैडम, इधर का पैसा है क्या लगता है? मैं आपको मैडम है, सरकार आ जाओ भैया। हेलो, पेपर लीक से भी है, आईटी से भी है, जेजे भी है, सारे घोटाले का पैसा मैं सारे का तुम ना बता दूंगा। क्या बाकी का नजर दिया था छोड़ने के बाद जुम बोल रहा था। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि क्या छोटी पर पकड़ने का काम किया जाएगा? छोटी को पकड़ने के लिए छोटी ने कौन से छोटी पकड़ मामले राहुल और पटाओ को जिन्हें आईडी ने बनाया था। मोबाइल भैया आपने पहले भी कहा सर मगरमच्छ कही है, मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है सर? इसमें मछलियाँ भी है, मगरमच्छ भी है। तो आप ईडी को बुलाइए या पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुला दूंगा। उनको शिकायत देंगे तो ईडी आएगी। पहले पुलिस आके हमको स्वीन तो करे सारे लोकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएंगे। ऐसे तो जो है काला धन और सोना तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। आपने अभी तो कोई शिकायत गुमनाम शिकायत? मैं तो यार, मैं मेरी इंटेलिजेंस से अलग है, पैरेलल चल रही है, तो सत्यता के आधार पर आया हूँ मैं, क्यों झूठ बोलूँ आपको? तो अगर आप मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल जाएगा।
नहीं तो फिर हम जानते हैं जो व्यवस्था है सरकार के लोगों का भी पैसा है। हाँ हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है, सरकारी अधिकारियों का, DOIT वालों का पैसा यहाँ पर है। इसमें जो आप बता रहे थे कि 6 MLA और वो जो सारे पेपर लेके, हम नहीं यहीं धरने पे बैठो, यहाँ धरने कब तक बैठा चलिए आज ये बाकी रह गए पीछे आज करिए जरा। ये 100 लॉकर हैं जो इल्लीगल हैं, RBI को इसकी जानकारी नहीं दी गई, और इन 100 लॉकरों में मेरी सूचना के हिसाब से 500 करोड़ और करीबन 50 करोड़ है। बड़े व्यापारियों को मैं सरकार से बात करना चाहता हूँ, इनको लॉकरों को खोला जाए या सील किया जाए और जनता को बताया जाए किस किस का यहाँ पर है। जब किसका आप मान रहे हैं आप, किसका है? मैं नाम लिया कर लेकर फिर आपस कोई तो सूचना होगी, आप यहाँ पर आए सूचना के आधार पर आया हूँ और पुलिस आ जाएगी जब हो जाए। क्या लग रहा है पेपर लीक से जुड़े हुए पैसा है या कोई दूसरा है? और वो बाद में ही सब इस पर आई पर DOIT का निश्चित रूप है। सर केवल CM साहब का है कि डोटासरा जी का भी इन्वॉल्वमेंट है? मैं अभी सीधा नहीं कह सकता, लेकिन DOIT का पैसा है, आप समझ सकते हो उनके मंत्री कौन है, अशोक है। ये एम चुनाव के आप मीडिया में इतने दिन से काम करो, आपने 100 लॉकर देखे एक आध रखे अब यही जब तक काला धन और सोना अवैध है उसको निकाल के नहीं पकड़ते तब तक मैंने सब ये सूचना आपके पास में अभी आई है, पहले ही थी या चुनाव के कारण सब चल रहा है? 10 दिन पहले से। तो 10 दिन पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उपयुक्त समय होता है सर, उपयुक्त समय पे ऑपरेशन होता है। टोटल 1100 लॉकर यहाँ पर है, 1997 से चल रहे हैं। आरबीआई को इनकी जानकारी नहीं है, और 50 लॉकर ऐसे हैं जो 10 साल से ऑपरेट नहीं हो रहे, जिसमें सोना पड़ा नकदी पड़ी है, और 40 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में है, जिनमें सोना भी है जिसमें काला धन भी है। मेरी सरकार से मांग यही है, इन लॉकर को खुलवाया जाए, ये नकदी भी उगलेगी सोना भी उगलेंगे, और वो गरीब जनता का पैसा है उसको बाहर निकाला जाए। पेपर लीक मामले से भी ये पूरा DOIT से तो निश्चित रूप से, और ये 50 पेपर लीक में तो गहलोत साहब का खास दिनेश खोडनिया, जिस दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को RPSC का मेंबर बनाया, उन्होंने मिलकर 1 करोड़ रुपए RPSC से बनाया, सब इंस्पेक्टर में RAS में वरिष्ठ अध्यापक पुलिस को हमने कह दिया कार्रवाई कैसे करो। टोटल
प्राइवेट लॉकर का ठिकाना पकड़ा है मीडिया ने, जो 1997 से चल रहा है। इसके मालिक शैलेंद्र गर्ग हैं, इनके पिताजी का नाम भीम सिंह गर्ग है, जो महका भारत अखबार चलाया करते थे। और इसमें 50 लॉकर ऐसे हैं जो मैंने जानकारी दी है, जिनको 10 साल हो गया अभी तक खोला ही नहीं गया। उसमें काला धन भी पड़ा और सोना भी पड़ा। और 50 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में है, तो इन 100 लॉकरों को खोल के काला धन और सोना जितना भी है उसको जब्त करने के लिए मैं राजस्थान की सरकार को कह रहा हूँ। राजस्थान की सरकार के अंदर पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कर सकते हो, तो मैंने उनको बताया इनकम टैक्स नहीं, आप भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो कि इसमें DOIT के अधिकारी सी पी सिंह जो जनरल मैनेजर है राजकोप इन्फो सर्विसेज में, उसका धन है, सोना भी है। और ये प्रकरण DOIT को आपको पता है ACB में दर्ज है, इसलिए आप पहले ACB को बुलाओ, ACB उस पर्टिकुलर उन लॉकर्स को खोले जिसमें CP सिंह का पैसा और सोना रखा हुआ है, तब हम IT से बात करें। पुलिस आने की क्या कर रही है? पुलिस सूचना दे रही है, तय कर रही है कि ACB को बुला के। तो ACB का इंतजार आप? तो जब तक ये उगलेगा नहीं सोना और नकदी, तब तक यही कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो प्रत्याशी हो गए विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव लड़ने नहीं जाओगे? हम तो टाइम बहुत है, नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ये भी कह जा रहा है कि वो लीगल लोगों के लॉकर हो और आप इस प्रकार से आपने कर रहे हैं, तो लीगल भी हो सकता है आपके पास? लीगल होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई जाएगी, यही कह लीगल हो गए। लीगल तो ये बताओ, 50 लॉकर ऐसे मैं बुला दूँ अंदर से जो इनको मैनेज करता है, 50 लॉकर ऐसे जो 10 साल से ऊपर बंद है, कोई आया ही नहीं, मर गया, क्या कर गया, या धन यहीं पड़ा हुआ है, उनको खोलो, क्या मामला? ये जो गणपति प्लाजा है, ये जो गणपति प्लाजा है जो सबसे पहले जयपुर में बना था, एक कॉम्प्लेक्स ये भीम से गर्ग ने बनाया था, जो महका भारत चलाता था, अब इसमें 1100 लॉकर्स हैं जिसकी जानकारी RBI को नहीं है। और मेरी जो सूचना किसी ने मुझे दी है, इसमें करीब 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना का अंदाजा है। 50 लॉकर ऐसे हैं, आप चलिए पीछे हो जाओ ना, यार मीडिया वालों को आने दो ना, आप पीछे हो जाओ। 50 लॉकर ऐसे हैं माइक नीचे कर लो यार, जो 10 साल से बंद है, और 50 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में, उसमें 10 लॉकर ऐसे हैं जो सरकार के अधिकारियों का पैसा है। मैंने पुलिस को कहा है कि ACB को बुलाओ, SOG को बुलाओ, या एडिशनल SP स्तर का अधिकारी है, उन्होंने DG तक जानकारी दे दी ACB को, SOG को, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेना बाकी है। तो आप जानते हो, जहाँ मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हो जाए, मुख्यमंत्री जी के लोग अगर इसमें होंगे तो कैसे वो लॉकर उसको खोलने देंगे? इसलिए जब तक लॉकर खुलेंगे नहीं, कुछ नकदी बरामद होगी नहीं, चाहे ACB करे, चाहे SOG करे, चाहे राजस्थान की पुलिस करे, तब तक मैं बाहर दरवाजे पे धरने पर बैठूंगा। इसका क्या है मतलब, इसका मास्टर माइंड किसे आप देख रहे, किसके सानिध्य में ये सारा काला धन छिपा हुआ आपका अंदर? आपने अभी बोला कि अशोक गहलोत के सानिध्य में, अशोक गहलोत जी का सीधा नाम लीजिएगा जी, जब ये अधिकारियों को पुलिस वालों को पता लग गई, मीडिया की जानकारी में आ गई,
चाहूँ और देश में ये मामला चल रहा है कि 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना यहाँ पर। आपको पता है कि अशोकनगर थाने में जब पुलिस को पता लगा उन्होंने 2,31,00,000 रुपए, 2,31,00,000 और सोना जब राजस्थान की पुलिस जाके पकड़ सकती है तो यहाँ भी करोड़ों रुपए और सोना है तो राजस्थान की पुलिस ऑपरेस करने में हिचकिचा क्यों रही है, वो सरकार से क्यों पूछ रही है, ये मेरा पुलिस पर आरोप है सर। अब मुख्यमंत्री, अभी वैसे भी चुनाव आयोग आ गया, मुख्यमंत्री जी का क्या लेना देना इसको, लॉकर्स को खोला जाओ और कहा लेकिन ये कह रहे हैं लॉक नहीं कर सकते, पुलिस कह रहे हैं लॉक नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ जो डाउटफुल मामला है मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, यहाँ अपराधी छुपा हुआ है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे, यहाँ अपराधियों का काला पैसा है सोना है, तो मैं सुरेंद्र जी से कह रहा हूँ कि आप उनको जब्त करो। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ नहीं खोल रहे, नहीं खोल रहे, ऐसे बाद में दरोगा हो जाएगा, पिछले के दरवाजे से चला जाएगा। कार्रवाई करना इनके बस की बात, धरने पर बैठा। चुनावी साल में एक बार फिर राज्यसभा सांसद जो किरोड़ी लाल मीणा है वो गहलोत सरकार को लेकर एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं। आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो काला धन है उसकी बात उन्होंने कही और सीधा प्रेस क्लब से जो गणपति प्लाजा है वहां पहुंच गए। लगभग 100 से अधिक लॉकर्स में काला धन होने की बात उन्होंने यहां पर कही है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो ये वॉलेट्स हैं रॉयल सेफ्टी वॉलेट्स करके, इसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन पेपर लीक और इसके अलावा जो DIT में पैसा मिला था उससे जुड़ा जो पूरा काला धन है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ बड़े लोगों के उन्होंने यहाँ पर नाम भी लिए हैं, बताया है कि लोगों के जो काला धन है और जो गलत तरीके से जो पैसा लाया गया है सोना है वो इन लॉकर्स के अंदर रखा गया है। यहाँ गणपति प्लाजा पे जब पहुंचे तो सीधे यहाँ पर धरने पे बैठ गए और अब सीधे तौर पर पुलिस से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आए और जो जांच है वो यहाँ पर की जाए, जो भी संबंधित एजेंसी है सरकार की उससे जाँच की मांग यहाँ पर लगातार किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक जाँच का आश्वासन या जाँच को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तब तक वो यहाँ पर जो है धरने पर रहेंगे। इससे पहले भी कई बार जल जीवन मिशन को लेकर भी कई जो बड़े खुलासे थे करीब चुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने किए थे, पेपर लीक से जुड़े प्रकरण को भी कई बार उन्होंने इस मुद्दे को लेकर यहां पर उठाया और लगातार इस तरह के जो मामले थे चुनाव से पहले वो लेकर जनता के बीच में आते रहे। कई गहलोत सरकार पर बड़े आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाए, लेकिन फिलहाल तो जो अंदर माहौल है वो एक बार आपको दिखा ला जाता है किस तरह से जो बातचीत है। अभी जो किरोड़ी लाल मीणा है जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, कार्रवाई की मांग लगातार किरोड़ी लाल मीणा है उनकी ओर से की जा रही है और कह रहे हैं कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है इस मामले को लेकर तब तक वो यहाँ पर धरने से नहीं हटेंगे। सो पहले 1,000 लॉकर 1,100 लॉकर लाए गए थे लेकिन मत बताया जा रहा है कि करीब 100 लॉकर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन लॉकर्स में जो काला धन है वो होने की आशंका यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर जताई है साफ तौर पर। और इस जल जीवन मिशन पेपर लीक से जुड़ा जो मामला है और DIT में कुछ समय पहले जो कैश और गोल्ड मिला था उससे जुड़ा जो काला धन है वो फिलहाल यहाँ पर होने की बात किरोड़ी लाल मीणा ने कही है। कैमरामैन अश्विन कटारिया के साथ आदित्य आत्रे, द नगरी न्यूज़।